ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का दावा है कि बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की जांच पर मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद निगाह रखे हुए हैं और सरकार ने बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि अकेले पंचायत विभाग में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आजीविका मिशन ईडो चाइना मीट में भारी भ्रष्टाचार हुआ। वृक्षारोपण में मनरेगा योजना के तहत 550 करोड़ रुपए का एक दिन में खर्च बताया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास इन घोटालों की जांच के लिए जांच एजेंसी निर्धारित कर रहा है। एक भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। कमलेश्वर पटेल ने खास बातचीत की स्वरा संवाददाता निर्मल सिंह व्यास ने। सुबह में निजाम बदल गया लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वो शिद्दत से सरकार काम करती हुई नजर नहीं आ रही जो होना चाहिए। आए दिन अधिकारी जो है लोकायुक्त ट्रैप कर रहा है। हमारे साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं। पटेल साहब, क्या लगता है, ऐसा लगता है सरकार बदली, 14 साल का वनवास खत्म हुआ, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जो खौफ अधिकारियों में होना चाहिए, पहले अधिकारियों की बात कर ले, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन लगातार लोकायुक्त के द्वारा भी ईओडब्ल्यू जो आर्थिक अपराध संधान केंद्र है वो भी अधिकारी कर्मचारी लगातार अपने काम कर रहे हैं और ये हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं और लगातार हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्पित है और कोई भी भ्रष्टाचारी जिसके बारे में अगर संज्ञान में आता है, पता चलता है, तो लगातार सतत निगरानी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप धीरे धीरे देखते तो जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम शुरू हुआ, अभी तो पुराने भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में विभाग में भी आप लोगों का कहना है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कौन कौन से घोटाले और खुलासे होंगे और किनके खिलाफ कार्रवाई आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेगी? देखिए, पिछली सरकार ने चाहे वो आजीविका मिशन हो हमारा, जिसका जो मूल उद्देश्य था उससे अलग हटके काम किया, उसका राजनीतिकरण किया, कई जगह भ्रष्टाचार किए, राशि का अपव्यय किया और यहाँ तक इंडो चाइना मीट भी करा डाले और 2-2.5 करोड़ रुपए बिना किसी हिसाब किताब के खर्चा भी कर डाले, कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। वृक्षारोपण के नाम पे मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का एक दिन में अपना रिकॉर्ड कायम करने के लिए पिछली सरकार ने 550 करोड़ रुपए का अपव्यय किया, हम तो यही कहेंगे। और उसमें ऐसा भी आदेश जारी किया गया था कि खरीदी बिक्री का जो रिकॉर्ड है वो संधारण करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिबंधित है। वो भी काम कराया, मशीनों से गड्ढे खुदवाए, एक ही दिन में महंगे पौधे पूरे देश से मंगाए, ऐसा काम हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा। और जितना पैसा खर्चा किया उसका आधा से कम काम किया है, ये हमारा आरोप है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच हमारी सरकार जरूर कराएगी। ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी और जो आरोप है वो प्रमाणित कब तक हो जाएंगे और जिन्होंने भी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, उनपे कब तक सख्त एक्शन हो जाएगा? हमने विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, इसमें कुछ तथ्यात्मक पहलू भी सामने आए हैं, पर इसके लिए अलग से जांच एजेंसियां निर्धारित की जाएंगी और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। अब कमलनाथ सरकार आपके द्वार पहुंचने जा रही है, क्या योजना और कब से लागू हो रही है? देखिए, 1 तारीख से हमारी सरकार पूरे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। उम्मीद की जाना चाहिए कि आने वाले समय में जो, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती रही है, बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार न सिर्फ उजागर होंगे बल्कि जो जिन्होंने घोटाला किया उनको सजा भी मिलेगी। साथ ही जैसा कि अभी कमलेश्वर पटेल बता रहे हैं कि जो भी जनता की समस्या है वो उसके घर पर ही सुलझ जाएंगी। कैमरामैन किशोर सैनी के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।